आए दिन कई सारे सवाल जवाब आते रहते हैं BS6 के बारे में। BS6 क्या है, BS4 क्या है, BS6 में डायरेक्ट क्यों आ गए, BS5 में क्यों नहीं आए, BS4 से लेके BS6 तक की पूरी जर्नी कैसी है, क्या है, कई तरह के सवाल। क्या BS4 का पेट्रोल BS6 में चल सकता है या फिर BS6 का पेट्रोल BS4 में चल सकता है, तरह तरह के सवाल, तरह तरह के जवाब। सब कुछ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे हैं आस्क ऑटो गुरु। सबसे पहला सवाल आप लोगों का जो काफी बार पूछा गया है वो है व्हाट इज BS4 एंड व्हाट इज BS6। तो सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा, BS मतलब भारत स्टेज। भारत स्टेज ये एक तरह का नॉर्म्स है और इसे हर कोई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को मीट करना होता है, उसके नॉर्म्स को टच करना होता है, वहां तक पहुंचना होता है। तो इससे सिंपल भाषा में जो BS6 की गाड़ियां है वो BS4 के मुकाबले पोल्यूशन कम करेगी, इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली रहेगी और जल्द ही ग्रीन इंडिया कंसेप्ट भी इसकी वजह से पूरा हो जाएगा। तो ये एक सिंपल लैंग्वेज में सिंपल आंसर है। और भी कई सारे जो है आंसर्स है और वो काफी टेक्निकल है, सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ ये था। दूसरा सवाल आता है कि BS4 के बाद BS5 क्यों नहीं, डायरेक्ट BS6 क्यों? तो देखो ऐसा है कि यूरोपियन कंट्रीज में ऑलरेडी उस हद तक का नॉर्म्स लागू हो चुका है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज उस पर चल रही है और हम बहुत ही पीछे हैं BS4 में। तो BS6 का नॉर्म्स अगर यूरो में आ चुका है, यानी यूरोपियन कंट्रीज में आ चुका है, वहां पे यूरो कहा जाता है, तो वो मीट करने के लिए हमें डायरेक्ट जंप मारनी पड़ रही है BS6 पे, जो अपने आप में बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसीलिए हम BS5 स्किप करके BS6 पे जा रहे हैं। अब अगला सवाल आता है कि इसकी डेडलाइन क्या है, यानी BS6 कब से अप्लाई होना शुरू होगा। बहुत पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को बहुत ही पहले आगाह कर दिया था, बता दिया था, सूचित कर दिया था कि 1 अप्रैल 2020 के बाद BS4 का मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया जाएगा। जितनी भी BS4 की गाड़ियां हैं आप रजिस्टर्ड नहीं करवा पाओगे, BS6 ही आपको बेचनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी। उस हिसाब से जैसे कि आप देख रहे हो पिछले 4-5 महीनों से सभी गाड़ियां BS6 में आ रही है और धीरे धीरे बाकी भी आने लग जाएगी, आ भी गई है। तो ये 1 अप्रैल 2020 के बाद BS6 यानी कि ये डेडलाइन है, इसके बाद आपको BS6 ही BS6 देखने को मिलेगा, चाहे फिर पेट्रोल ही क्यों ना हो, कार हो, बाइक हो, तरह तरह के व्हीकल्स। अब इसी के साथ अगला सवाल ये भी आता है कि अगर मेरे पास BS4 की गाड़ी है, मैंने रिसेंटली खरीदी है, तो उसका क्या होगा? तो इस सवाल का जवाब है कि BS4 की अगर गाड़ी आपके पास है, आपने अभी भी खरीदी है, उसे अगर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे आराम से चला सकते हो। जब तक इसकी डेडलाइन यानी कि स्टैंडर्ड जो डेडलाइन होती है गाड़ी की, जो लाइफ होती है 10 से 15 साल होती है, तो उस टाइम तक आप इसे चला सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगला सवाल आता है कि क्या BS6 में पेट्रोल भी BS6 का होगा? तो हाँ, BS6 की गाड़ियों में पेट्रोल भी BS6 का होगा, ये रिफाइंड पेट्रोल रहेगा। सिंपल भाषा में इसमें सल्फर की जो मात्रा है वो कम रहेगी, यानी कि जो पॉल्यूशन होता है वो कम होगा और आपकी माइलेज की इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी। तो अगला सवाल आता है कि क्या BS6 का पेट्रोल इंडिया में अवेलेबल है? खास तौर पर हाँ, आज की डेट में अगर बताऊँ तो आधे इंडिया में BS6 का पेट्रोल सप्लाई हो चुका है, जगह जगह अवेलेबल भी हो रहा है। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, जो मेट्रो सिटीज़ है बड़ी बड़ी, वहाँ पर तो ऑलरेडी ये मिलना शुरू हो चुका है। अब फरवरी एंड तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि पूरे इंडिया में BS4 हटा के BS6 का फ्यूल लगा दें। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पेट्रोल पंप वही रहेगा, बस पेट्रोल चेंज हो जाएगा। तो ये फरवरी एंड तक या फिर मार्च के शुरुआत के हफ्ते भर में आपको ये पूरी जगह पे BS6 का पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। अगला सवाल ये भी आता है, क्या BS4 के मुकाबले BS6 के पेट्रोल की या फिर BS6 के कार की या फिर BS6 के बाइक की माइलेज बढ़ेगी? माइलेज तो बढ़ेगी लेकिन कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो हाँ, कॉस्ट भी बढ़ेगी। अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आज की डेट के मुकाबले जो भी गाड़ियाँ BS6 में यानी BS4 के मुकाबले जो भी गाड़ियाँ अपग्रेड होकर आई है BS6 में, तो उनकी कॉस्ट 7 से 10 हज़ार बढ़ के आ चुकी है।
टू व्हीलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, फोर व्हीलर्स में ये और भी ज़्यादा बढ़ती है। अगर डीजल गाड़ी है तो वहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ेगी, लगभग 50,000-60,000 तक की प्राइस बढ़ सकती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि BS4 से BS5 में लाने के लिए कुछ हद तक थोड़ी सी ईजी प्रोसेस है, वैसे इतनी ईजी भी नहीं है लेकिन थोड़ी सी ईजी है, लेकिन हम BS4 से जंप करके डायरेक्ट BS6 में आ रहे हैं, तो इसमें कई सारी कारकुनगिरी अंदर करनी पड़ती है, कई सारे मैकेनिकल चेंजेस करने पड़ते हैं और कई सारी मेहनत कंपनी की जाती है, कॉस्टिंग भी वहाँ पे उनकी जाती है, उस हिसाब से गाड़ियों की प्राइस भी बढ़ेगी, हालांकि कुछ गाड़ियों की बढ़ भी चुकी है। सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि अगर मैंने BS6 कार ले ली तो क्या इसमें मैं BS4 का फ्यूल डाल सकता हूँ? मोटे मोटे तौर पर बोलूँ तो नहीं, क्योंकि BS4 की कार में आप BS6 का फ्यूल डाल सकते हो, लेकिन BS6 की कार में BS4 का पेट्रोल अगर आप डालोगे तो सल्फर की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, इंजन में कुछ हद तक आपको डैमेज कर सकता है ये फ्यूल। तो इस मामले में सावध रहे, BS6 पेट्रोल बहुत ही जल्द इंडिया में पूरी जगह पे सप्लाई हो जाएगा और वो अप्लाई करना भी शुरू हो जाएगा, आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म करते हैं। आई होप आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी BS6, BS4 और भी जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स है इनसे रिलेटेड कुछ आपके सवाल है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इंस्टेंट जवाब पाने के लिए मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।